हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सूर्य कोचिंग क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में डी ई एफ और दस मीनिंग सीखेंगे। बच्चों, कल वाली वीडियो में हमने क्या सीखा था? हाँ, ए बी और सी पर कितनी मीनिंग सीखा था? दस दस। और आज हम किस पे सीखेंगे? डी ई एफ। सामने देखना है सभी, बोलो डी ओ। डू, डू यानी करना। डी यू सी के, डक। डक यानी डी ओ जी, डॉग। डॉग यानी कुत्ता। डॉग यानी क्या होता है? डी डबल ई आर, डियर। डियर यानी क्या होता है? हिरण। क्या होता है? डियर यानी क्या होता है? डी डबल ई पी, डीप। डीप यानी क्या होता है? गहरा। क्या होता है? डी ए आई एल वाई, डेली। डेली यानी रोजाना। डी ओ डब्लू एन, डाउन। डाउन यानी नीचे। डी ए टी ई डेट, डेट यानी दिनांक। और डेट यानी क्या होता है? और भी होता है ना खजूर, डेट यानी खजूर भी होता है ना। सभी का ध्यान बोर्ड पे रहना चाहिए, व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ठीक है ना। कहाँ चल रही मैंने? डी आर आई एन के, ड्रिंक। ड्रिंक यानी पीना। डी ई ए आर, डियर। डियर यानी प्रिय। डियर यानी क्या होता है? प्रिय। आगे देखो ई पे, ई वाई ई आई। आई यानी आंख। ई ए आर, ईयर। ईयर यानी, ईयर यानी ई ए टी, इट। इट यानी खाना। ई ए आर एल वाई, अर्ली। अर्ली यानी जल्दी। ई ए सी एच, इच। इच यानी प्रत्येक। इच यानी क्या होता है बच्चों? वेरी गुड। ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट। एलिफेंट यानी क्या होता है बच्चों? एलिफेंट को सभी ने देखा ना। एलिफेंट क्या, कितने पैर होते हैं? वेरी गुड। बोलो ई वी ई आर वाई, एवरी। एवरी यानी प्रत्येक। एवरी यानी प्रत्येक। ई एन डी एंड, एंड यानी अंत। एंड यानी
और एक दूसरा एंड और होता है ए एंड डी, क्या एंड इन क्या होता है वो और ई की जगह क्या आएगा वहां पे ए, तब और आएगा ई एंड डी, दोनों का उच्चारण एक ही होता है एंड एंड, लेकिन उसमें ए एंड डी होता है, इसमें ई एंड डी, एंड का मतलब होता है अंत और ए एंड डी एंड का मतलब और। बोलो ई डबल जी एग, एग यानी क्या होता है अंडा, एग यानी क्या होता है अंडा, वेरी गुड। ई एन जी एल आई एस एच, इंग्लिश, इंग्लिश यानी अंग्रेजी, इंग्लिश यानी क्या होती है अंग्रेजी, और हम क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अंग्रेजी, और अंग्रेजी की मीनिंग सभी को याद होनी चाहिए, अंग्रेजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं इंग्लिश। हाँ एफ है देखो बच्चों, एफ आई एस एच, फिश, फिश यानी मछली, फिश यानी क्या होती है बच्चों मछली, और फिश कहाँ रहती है पानी में, और पानी के बाहर निकलती क्या हो जाती है वो है। वेरी गुड। एफ ए एन फेन, फेन यानी क्या होता है, फेन यानी क्या होता है बच्चों, और फेन कहाँ है बच्चों अभी चल रहा है ना फेन, और फेन कब काम आता है गर्मियों में। हाँ गर्मियों में, सर्दियों में आता है क्या फेन काम, वेरी गुड। बोलो एफ ए टी फेट, फेट यानी क्या होता है मोटा, फेट यानी क्या होता है मोटा, वेरी गुड। एफ ए डबल एल फॉल, फॉल यानी क्या होता है बच्चों गिरना, फॉल यानी गिरना, आप ढंग से नहीं चलते तो आप फॉल होते हो ना, गिरते हो ना, आपका ध्यान किधर रहता है ना, तब क्या हो जाते हो आप फॉल यानी गिर जाते हो। बोलो एफ आई एन डी फाइंड, फाइंड यानी क्या होता है बच्चों पाना, फाइंड यानी पाना। एफ आर आई एन डी फ्रेंड, फ्रेंड यानी मित्र या दोस्त, फ्रेंड यानी क्या होता है बच्चों मित्र या सभी को बोलना है यहाँ पे। हाँ बताओ आपको फ्रेंड बनाना है या एनिमी बनाना है, हो फ्रेंड सभी के फ्रेंड है ना, हाँ फ्रेंड क्या किस लिए बनाते हैं बताओ, हमारे सुख दुख में हाँ साथ देते हैं, ठीक है ना, इसलिए तो अपन फ्रेंड बनाते हैं ना। मित्र दोस्त को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों फ्रेंड। हाँ एफ एल वाई फ्लाई, फ्लाई यानी क्या होता है उड़ना, उड़ना क्या होता है उड़ना। एफ ए सी ई फेस, फेस यानी क्या होता है बच्चों चेहरा, फेस यानी क्या होता है चेहरा। एफ ओ आर एम फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है से, क्या होता है एफ ओ ई फो, फो यानी शत्रु, फो यानी क्या होता है बच्चों क्या होता है शत्रु, वेरी गुड। ये हो गई एफ ए। चलो इधर देखो सामने बोर्ड पे, डू यानी क्या होता है करना, क्या होता है करना, डक यानी क्या होती है डॉग यानी क्या होता है कुत्ता,
डीएनए क्या होता है? और डीपीएनए क्या होता है? डेलीएनए क्या होता है? डाउन यानी क्या होता है? डेट यानी? ड्रिंक यानी? डी एर यानी? आई यानी? ई एर यानी? इट यानी? अर्ली यानी? इच यानी? एलिफेंट यानी? एवरी यानी? एंड यानी? अंत? एग यानी? इंग्लिश यानी? फिश यानी? फेन यानी? फेट यानी? फॉल यानी? फाइंड यानी? फ्रेंड यानी? फ्लाई यानी? फेस यानी? फ्रॉम यानी? फो यानी? शत्रु क्या होता है? हेलो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब से एंड शेयर ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन का चिन्ह ज़रूर दबाएं जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।